आज जो हम सारे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप बिजली के किराए और स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें। ये चुनावों से पहले अगर जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाए गए या लाखों रुपए बिजली के किराए जो लोगों के ऊपर आप डाल रहे हैं उसे माफ किया जाए और पानी के किराए माफ किए जाए, हमारा सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट हमें वापस मिलना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये स्मार्ट मीटर और बिजली के भारी भारी बिल अगर मुआफ नहीं करवाती तो ये समझा जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर, बिजली के किराए और भारी स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो, स्मार्ट मीटर हाय 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 हाय, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली के किराए माफ करो, माफ करो। आज हम सारे जो जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर सरकार एलजी की सरकार लगाने जा रही है जम्मू कश्मीर में उसे बंद किया जाए, और जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो जाते हैं स्मार्ट मीटर जम्मू में नहीं लगने चाहिए। एक जो बिजली के बिल है वो लोगों को गलत तरीके से भोरे भारे बिल जो है उनको नहीं दिए जाने चाहिए, और नंबर तीन जो पानी के किराए हैं वो भी माफ किए जाने चाहिए। और अगर चुनावों से पहले ये स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं किए तो ये समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को साथ होकर के भारी भारी बिजली के बिल, स्मार्ट मीटर और साथ में पानी के किराए लगवा रही है और झूठ बोलती है कि फ्री में मुफ्त और पानी दिया जाए।